तो अभी जो हमारा मसाला है वो पूरी तरह से हो चुका है तैयार। अब इसमें हम लोग डालने वाले हैं नमक स्वाद अनुसार। वाह, राइमिंग बन गया। मसाला हो चुका है तैयार और इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। ये साउंड को सुनिए, ये साउंड को सुनिए। हाँ, क्या साउंड है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि सिर्फ नॉन वेज ही खाते हैं हम, क्या वेज खाते ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वेज भी खाते हैं। और आज एक वेज डिश लेकर आए हैं आपके पास, और वो ऐसा डिश है जो खाना हर कोई चाहते हैं बट पटना में मिलता ही नहीं। गई हर किसी का ये सवाल होता है कि पटना में वो दिल्ली स्टाइल का छोला भटूरा किधर मिलेगा। अब यहाँ पे एक गलती होगा कि हम छोले छोले नहीं बोलने वाले हैं, छोला 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 ही बोलने वाले हैं, क्योंकि अब आदत है हम लोग का। एक्चुअल में होता है वो छोले भटूरे, बट हम लोग को पता है कि पटना में छोला भटूरा कहीं चाहिए बोर्ड पे छोला भटूरा, तो वही आदत है हम लोग को छोला भटूरा। तो बार बार अब उसको करेक्ट नहीं करने वाले हैं, कोशिश करेंगे कि छोले बोले लेकिन छोला भी बोले, तो समझ लीजिए जज्बात को। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं पटना में दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे, क्योंकि हर कोई खाना चाहते हैं, कहीं मिलता है नहीं, कहीं नहीं मिलता है। कहीं भी जाइएगा तो वो पतला सा ग्रेवी रहेगा, येलो कलर रहेगा, वो जो ब्लैक वाला छोला होता है, मतलब ड्राई सा रहेगा, ब्लैक कलर का रहेगा, तड़का मारा हुआ रहेगा, उस तरह का जो छोला होता है, छोले होते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। हल्दीराम हल्दीराम में मिल जाता है बट कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है। तो आज बताते हैं कि घर में बैठे बैठे एकदम सिंपल तरीके से मस्त वाला छोला भटूरा कैसे बनाया जाए। भटूरा तो बनाना नहीं सिखाने वाले, वो तो बना ही लीजिएगा आप लोग, छोले कैसे बनाते हैं वो बताते हैं। तो इधर देखिए सारा अरेंजमेंट्स हम लोग करके रखे हुए हैं। ये जो छोला है इसको कुकर में डाल के स्टीम किया हुआ है, तो आपको पहले पहले उससे पहले ये देखिए कितने अच्छे से ये पका हुआ है। ये देखिए एकदम ये परफेक्टली टेंडर हो चुका है, और अभी भी आप इसे खा सकते हैं, मतलब अभी भी अच्छा लगेगा खाने में। तो पहले बताते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो अभी आपको देख के लग रहा होगा कि हम लोग कुछ चाय वाय बना रहे हैं, बट चाय नहीं बन रहा है। ये चाय पत्ती को हम लोग पानी में थोड़ा सा बॉईल करेंगे, और इसी पानी को डालेंगे कुकर में, जिसमें कि वो जो छोला है वो बॉईल होगा। एक दूसरा अल्टरनेटिव है कि अगर आपके पास वो जो व्हाइट वाला लाइनिंग क्लॉथ होता है वो ले लीजिए, पोटली बना लीजिए, वो डाल दीजिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ये दूसरा अल्टरनेटिव है कि पहले पानी में चाय को बॉईल कर लीजिए और इसी पानी को कुकर में डालेंगे, जिससे कि वो ब्लैक कलर जो है, वो छोले का जो ब्लैक कलर होता है वो आएगा। और लगभग 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से बॉईल करना है, जब तक कि पानी का जो कलर है वो ब्लैक नहीं हो जाए, सारा जो चाय पत्ती का जो रंग होता है वो पानी में नहीं आ जाए। एक कुकर लिए हैं और इसमें ओवरनाइट सोक किया हुआ काबुली चना डालेंगे। रात भर इसको भिगो के रख दिए थे और अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब इसमें हम लोग डालेंगे वो चाय पत्ती वाला पानी जिसे आपको दिखाए थे, उसी पानी को देखिए कलर देखिए एकदम ब्लैक कलर हो गया उस पानी का। तो ये देखिए ये हम लोग पानी डाल लिए हैं, कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं यूज़ करने वाले। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा इसमें डालेंगे अब नमक, बस। अब इसे कवर करके हम लोग छोड़ देंगे और लगभग 3-4 सीटी लगाएंगे, जब तक कि ये पूरी तरह से टेंडर नहीं हो जाए। तो आप समझ चुके हैं कि इस काबुली चने को कैसे कुकर में डाल के स्टीम लगाना है। नेक्स्ट हम लोग ये बारीक कटा हुआ प्याज ले लिए हैं, टमाटर है, इधर देखिए लहसुन हो गया, अदरक हो गया, हरी मिर्च है, ये कुछ है फ्राइड पटेटोज। ये सब कॉम्पल्सरी चीज़ नहीं है, आप ज़रूरी नहीं कि आलू रखिए, बट पिंडी छोले जो होता है ना उसमें ये होता है, तो ये रखे हैं हम लोग। और ये जो हमारा छोला आज बनने वाला है, इस छोले का जो जान है वो ये मसाला है। तो अब आपको बताते हैं कि इस मसाले को कैसे रेडी करना है। तो ये देखिए ये कुछ औषधि है जिसको कि हम लोग यूज़ करके छोले का जो मसाला है वो रेडी करने वाले हैं। मसाला हम लोग बाहर से नहीं लाए हैं, बाहर से भी मिलता है रेडीमेड छोला मसाला, वो छोले मसाला, बट बाहर वाला में वो मज़ा नहीं है जो फ्रेश पीसे हुए मसाले में है। तो हम लोग लिए हैं यहाँ पे धनिया, जीरा, तेज़पत्ता, नटमेग, इलायची, लौंग, दालचीनी और रेड चिली। हम लोग करने वाले इन सारे मसालों को ड्राई रोस्ट और एक कढ़ाई ले लिए हैं। अब उसमें सारा जो मसाला आपको दिखाए थे, जो सारा हमारा औषधि था जिससे कि छोला मसाला रेडी होने वाला है, उसे इस कढ़ाई में डाल के हम लोग करेंगे ड्राई रोस्ट। और इसमें कसूरी मेथी भी डालना है, बट अभी नहीं डालेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत फाइन होता है, तो अभी नहीं डालना है, जब थोड़ा सा ये ड्राई रोस्ट हो जाए उसके बाद डालेंगे हम लोग। और इसे इस तरह से चलाते रहना है, क्योंकि ये अगर नहीं चलाएंगे हम लोग तो ये जो कढ़ाई है इसमें सट जाएगा। तो डालकर आपको रिलैक्स होकर घूमने नहीं जाना है, आराम से इसे चलाते रहिए। लगभग 3-4 मिनट के लिए हम लोग सारे मसाले को ड्राई रोस्ट कर लिए। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा कसूरी मेथी डालना है, और इसे क्रश करके डालिए तो ज़्यादा बेटर है।
बस अब इसे हम लोग एक मिनट के लिए और चलाएंगे और फिर मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है। ये देखिए ये सारा मसाला जो है हमारा वो तैयार हो चुका है, ड्राई हो चुका है, मतलब ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब इसे पीसने वाले हैं। एक चीज़ मिसिंग है इसमें, अगर आपके पास अनारदाना है तो वो भी डाल दीजिए, वो और ज़्यादा बेटर होगा, बट वो अभी अवेलेबल है नहीं इसलिए वो डाले नहीं है। ये हमारा मसाला जो है वो हो रहा है तैयार। असली जो छोला होता है उसका जान ये मसाला ही होता है, और बहुत बढ़िया सा खुशबू आ रहा है इन मसालों का, गजब का खुशबू आ रहा है। अगर आप वो पैकेट वाला मसाला लेते तो ये वाला मज़ा नहीं मिलता, वो मतलब ये फील नहीं आता, ये खुशबू, ये स्ट्रॉन्ग सा जो अभी खुशबू आ रहा है वो आप तो नहीं फील कर सकते, हम कर रहे हैं। ये वाला फील पैकेट वाले मसाले में नहीं आता। तो अब आप मसाला कैसे बनाना है समझ चुके हैं, इस छोले को कैसे स्टीम देना है समझ चुके हैं, आलू फ्राई हो चुका है, ये नॉर्मल से आलू लेकर फ्राई कर लीजिए ऑयल में, इधर धनिया पत्ता हो गया, ये इमली का पानी है और ये मसाला है, हींग है, बाकी सब कुछ अब स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर, फिर दिखाते हैं कैसे क्या करना है। और इसे हम लोग एक लोहे के कढ़ाई में बनाने वाले हैं। तो इधर देखिए, इधर हम लोग एक लोहे का कढ़ाई लिए, और ये इसलिए लिए है ना क्योंकि इसमें बनाने पर एक ब्लैक कलर आएगा प्लस आयरन मिलेगा, ये बेनिफिशियल भी आपके लिए। जो असली जो ब्लैक कलर आता है वो इसी कढ़ाई में आता है। अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें डालने वाला है रिफाइंड ऑयल, बस थोड़ा सा नहीं मतलब थोड़ा ज़्यादा सा, क्योंकि जो पिंडी छोले होता है उसमें थोड़ा सा तो होना चाहिए ऑयल, थोड़ा घी, तब उसका मज़ा है। और अब नेक्स्ट इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, ये थोड़ा सा हींग, ये इस थोड़ा सा बोले तो थोड़ा सा ही इसका मतलब है, ये पाउडर है हींग का, ये गया। ऑयल हमारा हो चुका है गर्म, तो सीधे इसमें डालेंगे ये लहसुन का पीसा हुआ लहसुन है, ये गया हमारा लहसुन का पेस्ट, नेक्स्ट हम लोग डालने वाले हैं इसमें अदरक, और नेक्स्ट थोड़ा सा हरी मिर्च। अब इसको 2 मिनट तक हम लोग इस तरह से करने वाले हैं मिक्स। अब जो लहसुन का जो पकने का खुशबू है ना वो आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि प्याज डालने का वक्त हो चला है। नेक्स्ट इसमें हम लोग ये देखिए बारीक कटा हुआ प्याज है, इसे डालने वाले हैं। अब लगभग 5 मिनट के लिए ब्राउन करना है इसे, जब एक ब्राउन कलर आ जाए उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो इधर देखिए ये जो हमारा प्याज है ये पूरी तरह से ब्राउन जैसा हो चुका है। अब हम लोग इसमें डालने वाले हैं जो हम लोग मसाला रेडी किए थे छोले, और इसको थोड़ा हाई टेम्परेचर में, मतलब इसको गलाना नहीं है, इसको ब्राउन करना, तो टेम्परेचर हम लोग हल्का सा हाई रखे थे। अब जो है इसमें छोले का मसाला डालते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ और डालना है। सबसे पहले हम लोग डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, नेक्स्ट इसमें जाएगा काश्मीरी मिर्च, गिर जा भाई, हाँ अब हो गया, इसको कर लेंगे मिक्स। अब नेक्स्ट जो इस पूरे पिंडी छोले का जो जान है वो जाने वाला है, तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट उसी को डालने का है। मसाला डालने में एक अपना एक अलग मजा है। तो ये जो हमारा देखिए छोला का जो मसाला है जिसको कि हम लोग रेडी किए थे, अब इसे डालते हैं, गजब का एक स्ट्रॉन्ग सा इसका खुशबू है। क्या खुशबू आना शुरू हो गया डालते साथ। अब ये जरा सा पानी डालेंगे ताकि ये सटे नहीं। ओहो हो वाह वाह वाह, गजब का खुशबू आना शुरू हो गया, और अब आ रहा है असली मजा इस छोले को बनाने में।
इस तरह से मसाले को हम लोग भूनते रहेंगे, लगभग 5 से 7 मिनट के लिए मसाले को भूनना है। तब तक भूनेंगे जब तक कि जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाए। तो इधर कलर देखिए कितना खूबसूरत सा ब्लैक कलर हो गया इस मसाले का। ये तो देख के अभी से ही मतलब काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है, ये मसाला ही टेम्पटिंग लग रहा है। तो जब छोला बनेगा तब क्या होने वाला आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है कि इसमें हम लोग डालेंगे अपना टमाटर। आप प्यूरी भी डाल सकते हैं, फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं। ये गया हमारा टमाटर इसमें। और अब जाएगा थोड़ा सा आमचूर पाउडर। अनारदाना भी आप डाल सकते हैं, बट अनारदाना अवेलेबल नहीं था इसलिए हम लोग अनारदाना नहीं डाल रहे हैं, बट उसका भी एक अल्टरनेटिव है वो डालेंगे, वो बताएंगे क्या है। जो ये पिंडी छोले हैं इसका असली मज़ा मसालों में, मतलब देख सकते हैं कि कितना डिफरेंट डिफरेंट मसाला हम लोग डाल रहे हैं, कितना डिफरेंट कॉम्बिनेशन पड़ा है मसाले का। इतना तो हम लोग चिकन मटन में मसाला नहीं डालते हैं, इतना डिफरेंट कॉम्बिनेशन का मसाला इसमें डाले हैं। तो अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डाले हैं, पानी डालकर चलाए हैं ताकि मसाला जो है अच्छे से पक जाए। और क्या सही वाला देखिए, ये जो है ये मटन का ग्रेवी ऐसा लग रहा है देखने में, गजब का कलर आया है, खुशबू भी उतना ही लाजवाब सा। तो अभी जो हमारा मसाला है वो पूरी तरह से हो चुका है तैयार। अब इसमें हम लोग डालने वाले हैं नमक स्वाद अनुसार। वाह, राइमिंग बन गया। मसाला हो चुका है तैयार और इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसमें हम लोग इमली का पानी डालने वाले हैं। ये देखिए, ये इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मेरे पास अनारदाना अवेलेबल नहीं है। अगर अनारदाना अवेलेबल है तो वो ज़्यादा सही है डालना। तो एक तरह का ये अल्टरनेटिव है अगर आपके पास अनारदाना अवेलेबल नहीं है तो। और अगर इमली भी अवेलेबल नहीं है तो फिर तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, छोला बनाइए ही मत। अब वक्त आ चुका है जो इस छोला का असली जान है उसे डालने का। ये हमारा काबुली चना बिल्कुल प्यार से डालेंगे ताकि कहीं से टूट फूट मत जाए। और जो भी पानी था, जो भी वो चाय पत्ती वाला पानी था, सब कुछ डाल देना है इसमें, सारा उसमें फ्लेवर से इस। अभी आपको लग रहा होगा कि कंप्लीट हो गया है, लेकिन मेन चीज़ तो अभी करना बाकी है। दिखाते हैं आपको कि वो क्या मेन चीज़ है। पहले सारे छोले को बाहर निकाल ले। इधर देखिए, इधर हमारा छोला जो है उसको हम लोग बाहर निकाल लिए हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है कि थोड़ा सा धनिया पत्ता से करेंगे गार्निशिंग, क्योंकि लुक भी मैटर करता है, प्रेजेंटेशन भी थोड़ा इसके टेस्ट को बढ़ा देता है। पहला जो नज़र है वो आदमी, पहला जो बाइट है वो आदमी आँख से लेता है, तो देखने में तो प्लीजिंग लगना ही चाहिए। ये फ्राइड आलू हम लोग डाले हैं, ये भी एक पिंडी छोले में होना मस्ट है। ये 4 फ्राइड पोटैटोज गया। अब जो मेन चीज़ है वो करते हैं। तो ये हम लोग एक पैन लिए हैं, सॉस पैन लिए हैं, और इसमें क्या करेंगे कि घी डालेंगे। यहाँ से थोड़ा घी डाल देते हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं, एकदम सरसराएगा डालते साथ, क्योंकि बहुत जल्दी ये जल जाता है, तो तुरंत एक्शन लेना है। ये कश्मीरी मिर्च थोड़ा हमको निकलने में धोखा दे रहा है। बस ये हो गया तड़का का मटेरियल तैयार। थोड़ा सा इसको करना है मिक्स्ड, और इधर 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 जल्दी से ये गया इसमें। ये साउंड को सुनिए, ये साउंड को सुनिए, क्या साउंड है। अब जाके ये हमारा पिंडी छोले हुआ कंप्लीट। तो इधर देखिए हमारा छोला बनकर आ चुका है, और कुलचा भी आया है, भटूरा रास्ते में भटूरा भी चढ़ा हुआ है, बट फिलहाल अभी हम लोग कुलचा खाएंगे, भटूरा बाद में खाएंगे। और ये छोले का पहले कलर देखिए,
एकदम जैसा पिंडी छोले जैसे होते हैं, ब्लैक कलर बिल्कुल उसी तरीके का है। अब ज़्यादा इसको छेड़खानी नहीं करना, नहीं तो टूट सकता है, इसलिए सीधे ऊपर से निकालते हैं। अब इसको किया जाए साइड। और आज आप लोगों को पता होगा कि बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो आज का जो स्पेशल डिश होता है खीर, वो भी है। ये कुलचा हो गया और भटूरा भी आएगा बाद में, वो वीडियो में नहीं रहने वाला है। और कुलचा आप आम तौर पे देखते होंगे इस तरह का, वो थोड़ा मोटा सा होता है, बट ये थोड़ा पतला सा कुलचा है, टिपिकल जो कुलचा होता है वो वाला फील नहीं है इसमें। अब इस छोले के साथ खाया जाए, और सबसे पहले इस आलू को खाते हैं। ये छोले से ज़्यादा टेम्पटिंग ये आलू लग रहा है। वाह, एकदम परफेक्ट बना है। और जो इमली हम लोग डाले थे उस वजह से हल्का सा इसमें खट्टापन भी है, तीखा भी हो गया है। आप चाहें तो स्टार्टिंग में हम लोग दो तीन रेड चिली लिए थे, आप दो भी ले सकते हैं। अगर तीखा पसंद है तो तीन लीजिए, ये हल्का सा तीखा है। मज़ा आ गया खा के। तो चले अब आराम से बैठ के खाने, भटूरा भी आ रहा है, उसका असली मज़ा गरम गरम खाने में ही आता है। ख़त्म करते हैं वीडियो को, ऐसे भी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पूरा रेसिपी आपको दिखाएं प्रॉपरली। एक लास्ट बाइट लेते हैं, ख़त्म करते हैं। अब भी अगर बनाइएगा तो बताइएगा कैसा बना।